नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। कुछ दिनों से अंबेडकर वादियों द्वारा झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। वैसे तो सवर्णों के पैसे पे पलने वाला अंबेडकर नवा खराम था ही, लेकिन अंबेडकर का अपन इस तरह का था कि उसने खुद को महान साबित करने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया। आइए ये पोस्ट देखते हैं। इसमें दावा किया गया है कि संसार का सबसे शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अंबेडकर था। खैर, संसार का छोड़िए, अपने ही देश में स्वर्गीय श्रीकांत जिचकर जी ने 20 डिग्रियां प्राप्त की थी, जो अभी भी रिकॉर्ड है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार वो भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं। खैर, यहाँ पे तो अंबेडकर के 16 डिग्रियों की बात की जा रही है, कुछ तो जगहों पे संख्या 32 भी बताई जाती है, पर वो 32 डिग्रियां कौन कौन सी हैं ये किसी को नहीं पता। सच्चाई ये है कि अंबेडकर के पास 9 डिग्रियां थी, जिसमें से 2 मानद उपाधि थी, यानी कि सम्मान के तौर पर दी गई, जिसके लिए उसने पढ़ाई नहीं की थी। बढ़ते हैं अगले दावे की ओर, जिसमें बताया गया है कि अंबेडकर ने 1000 दिनों में 16000 किताबों को पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। अगर माने कि वो 6 घंटे सोता था, 2 घंटे खाने पीने में लगाता था और कॉलेज के बाद पूरे 8 घंटे केवल किताबें पढ़ता था, तब भी 1000 दिन में हुए 8000 घंटे, यानी 1 घंटे में 2 किताबें। जनाब, समझाया गया ये कौन सी किताब थी जो आधे घंटे में पढ़ ली जाती थी? और मान लें कि वो केवल किताब में से शब्द पढ़ता था बिना ज़रा भी समझे हुए, तब भी अगर एक पेज को पढ़ने में 2 मिनट लगते थे तो 60 पेज की किताब पढ़ने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो जनाब, ये कौन सी किताब थी जिसे आपने आधे घंटे में पढ़ लिया, और वो भी ये मानते हुए कि वो व्यक्ति 8 घंटे लगातार रट्टा मारता था बिना रुके और बिना किताब की किसी बात को समझे, और साथ ही ये भी मानते हुए कॉलेज में पढ़ाई की बात का न तो रिवीजन करता था और न ही घर से ज़रा भी बाहर निकलता था। हाँ, ये हो सकता है कि वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली किताब पढ़ता रहा हो, साथ ही मनोहर पोथी जैसा कुछ। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अंबेडकर किस लेवल चूतिया था और किस तरह से उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। खैर, अगर आपको आपका कोई अंबेडकर वादी दोस्त मिले तो उससे ज़रूर पूछें कि बेटे, उन 32 डिग्रियों का नाम क्या था? अगर वो सबसे शिक्षित व्यक्ति था तो रिकॉर्ड में श्रीकांत जिचकर का नाम क्यों है, और वो कौन सी किताब थी जिसे उसने आधे घंटे में पढ़ लिया? अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से झूठ फैलाया गया कि अंबेडकर ने दलित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।